हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू के शो के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ मस्त इन्जॉय कर रहे होंगे। सो टुडे आई एम मेकिंग अ वीडियो डायरेक्टली फ्रॉम माय किचन। मैंने सोचा क्यों ना खाना बनाते बनाते आपसे एक छोटी सी बात कर ली जाए और एक छोटा डिस्कशन कर लें। तो आज का डिस्कशन ये है कि मैं आपको पता ही है अभी रिसेंटली इंडिया से आया और मैं काफ़ी आना जाना करता रहता हूँ। तो मेन जो मुद्दा है वो जाने का है और आने का है। जैसे आप जाते कैसे हैं और आते कैसे हैं तो आपको पता ही होगा कि सब लोग फ्लाइट, तो आप लोगों को पता ही है फ्लाइट यूज़ करते हैं। बट इसके पीछे काफ़ी लॉजिक होता है कि हमें जो टिकट बुक करनी होती है वो कब करें, कितने टाइम पहले करनी चाहिए टिकट बुक। अगर आप यहाँ से वापस इंडिया जाना चाहते हैं घूमने के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए, फ्रेंड से मिलने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए, तो आपको कितने दिन पहले टिकट बुक करनी है, आज मैं उस पर बात करूँगा। और दूसरा, क्या सही में कोई डील ऐसी मिलती है अगर हम ऑनलाइन ढूंढते हैं? बिकॉज मैंने भी हर लोग, मैं बोलता हूँ कि जो भी जिसे यहाँ से जाना होता है वो अच्छी से अच्छी डील ढूंढने की कोशिश करता है। तो कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे अच्छी डील मिल सकती है आपको? क्या हम डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करें? क्या हम थर्ड पार्टी एप्लीकेंट, लाइक जो थर्ड पार्टी एग्रीगेटर वेबसाइट्स होती हैं उनसे, वहाँ पे जाके बुक करें? तो आज उसी चीज़ पे मैं बात करूँगा। और मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन भी दिखाऊँगा, उसमें हम करंटली देखेंगे कि अभी का सिनेरियो क्या चल रहा है और क्या बेनिफिशियल रहता है और मैंने किस तरीके से बुकिंग करी थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। और मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन दिखाता हूँ अब। इसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी फ्लाइट कितने चीप कौन सी पड़ेगी और कैसे बुक करनी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप गूगल पे जाओगे और लंदन टू दिल्ली या फिर आपको जो भी डेस्टिनेशन जाना है वहाँ पे आप ये सर्च करोगे ये टर्म। और आपको बहुत सारी वेबसाइट्स भी मिलेंगी कई जगह आपको, जैसे booking.com हो गई और आपकी गूगल पे आप देख सकते हो। और बाकी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होती हैं एयर विस्तारा या फिर वर्जिन अटलांटिक, मतलब डायरेक्ट आप उस वेबसाइट से भी जाके देख सकते हो कि आपको कहाँ से बुक करनी है। बट बेस्ट इसमें क्या होगा मैं आपको ये भी बताता हूँ, क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी से देखते हैं तो उसमें क्या फ़र्क आता है और अगर आप नॉर्मल देखते हैं तो उसमें क्या फ़र्क आता है। तो सबसे पहले तो आप अपना माइंडसेट क्लियर रखना कि आपको बैगेज कितना लेना है, आपको यहाँ से सामान लेके जाना है नहीं जाना है। बिकॉज़ बहुत लोग ये होते हैं कि यहाँ से सामान खाली बैग लेके जाते हैं और वहाँ से सामान लेके आते हैं। तो दोनों केसेस में आपको पहले अपना माइंडसेट ज़रूर क्लियर करना है कि मेरे को सामान लेके आना है वहाँ से नहीं आना। और अगर आपको सामान लेके नहीं जाना, बैगेज नहीं चाहिए, तो आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, चीप ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्काई स्कैनर के बारे में। आप सबने सुना ही होगा, आप लोगों को पता भी होगा। बट इसमें सबसे बेस्ट क्या है कि आपको, अगर आपका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कब जाना है, तो आप चूज़ कर सकते हो कौन से मंथ में मैं जाऊँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना चीप प्राइस दिखा रहा है जून में 375 का। तो एक इनकी स्पेसिफिक डेट होती है। अगर आपको कोई आपका प्लान ऐसी ट्रिप नहीं है अभी, ट्रिप जो आपने प्लान किया नहीं है कोई स्पेसिफिक डे के लिए, या फिर आपको ऐसे डे पे जाना नहीं है जहाँ पे, या फिर आपको कोई वेडिंग अटेंड करनी है या फिर कोई ओकेजन या फिर कोई इवेंट ऐसा है, कोई आपकी पर्टिकुलर डेट नहीं है, आप फ्लेक्सिबल हैं, आप कभी भी जा सकते हैं, तो जस्ट चूज़ ये वाला ऑप्शन। इसमें क्या है कि आपको बेस्ट डील मिल जाएगी। और अगर आप इसमें से सर्च करोगे तो ये आपको बता देगा कि देखो आपको कितने की, ये देखो रिटर्न डेट और ये देखो जून में आपको ये बता रहा है। अगर आप 4 तारीख को जाओगे, 13 तारीख को जून में, ये आपका 2 वीक्स ऑलमोस्ट हैं, तो आपको तब जाके ये प्राइस इतने का पड़ेगा। तो 188 pounds एक तरफ से, दूसरी तरफ से 188 वही, तो आपको जाके ये प्राइस टोटल इतने का पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मंथ बाय मंथ भी देख सकते हैं, मई में देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मई में जाना है तो आप सेलेक्ट कर लो डेट, और अगर मई के 13 से जून में आना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लो। आपको ये फिर ये प्राइस बता देगा कैलेंडर के थ्रू, आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट चूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे को बहुत अच्छी वेबसाइट लगती है, इस पर डील्स आती रहती हैं, तो देखे करो। और अगर आप वही डायरेक्ट फ्लाइट की अगर मैं बात करूं, जैसे ब्रिटिश एयरवेज हो गई या वर्जिन अटलांटिक हो गई,
तो आप अगर इसमें सर्च करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, बट आपकी जो क्लास है ये थोड़ी सी लग्जरी हो जाएगी। आपको अगर अच्छे ट्रिप में जाना है और अगर आप साल में 2 साल में एक बार जाते हैं, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप इन्हीं सारी जो वेबसाइट हैं और जो फ्लाइट हैं लाइक वर्जिन अटलांटिक, ब्रिटिश एयरवेज, आप इन्हीं के साथ जाएं, बिकॉज़ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और मैं भी इन्हीं के साथ गया था, मैं वर्जिन अटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज में दोनों के साथ गया हुआ हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं इसमें इस वीडियो में मेंशन भी कर दूंगा, आप ज़रूर देखना कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला मेरे को। तो ये देखो, मैं एक सिर्फ एक ऐसी सर्च कर रहा हूँ 20 जून से 10 जुलाई तक के लिए। तो अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स का मैं प्लान कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये आपको कितनी की फ़्लाइट दिखाएगा, ये भी सर्च कर रहा है। तो ये देखो, आपको ये दिखा रहा है इकोनॉमी क्लास जो है 501 पाउंड्स की। तो ये एक तरफ का आई थिंक, या ये आपको एक तरफ का, देखो आप ये कॉस्टली पड़ रही है, क्योंकि देखो अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो बिल्कुल आपको ये, ओ ओके, सो ये दोनों की दोनों आई थिंक दोनों है, दोनों है। सो फ्लाइट 1 5 इज ओके, लेट्स सेलेक्ट दिस। सी आप देख रहे हो आप इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। चेक बैगेज 23x2 501 आप सेलेक्ट करते हो, तो मतलब अगर आप जो टाइम लिमिट में, अगर आपको बोलता हूँ देखो वो 500 पाउंड हो गया आपका, ठीक है। अब ये आपका दिल्ली से लंदन, ये आपको प्लस 112 और देना पड़ेगा, वरना आप इस जुलाई इस डेट को आते तो आपको प्लस 70 और देने पड़ेंगे। तो इतना भी ख़राब डील नहीं है, बहुत चीप है ये। मैंने जो फ़्लाइट करी थी वो मेरे को ऑलमोस्ट 700 पाउंड्स पड़ी थी। ये देखो आपको 572 में दोनों तरफ का हो गया, यस, आना जाना आपका, रिटर्न फ्लाइट इंक्लूडिंग, जिसमें आपके 23 kg बैगेज भी हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत चीप हैं, बहुत सही हैं। तो देखो कभी कभी डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाके अच्छी डील मिल जाती है, यही नहीं कि आपको थर्ड पार्टी booking.com या फिर आपको स्काई स्कैनर हो गया, अगोडा हो गया, गूगल पे हो गया, कि आपको वहीं जाना है, बेस्ट यही रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप 3 महीने पहले बुक कर लेते हो तो आपको चीप पड़ेगी, 2 महीने पहले करते हो चीप पड़ेगी, 6 महीने पहले करते हो तो चीप पड़ेगी, वो डिपेंड करता है आपके सीजन पे, आप कौन से मंथ में जा रहे हो, तो उसका जरूर ध्यान रखें। बाकी ये मैंने ब्रिटिश एयरवेज और एयर इंडिया भी, आपको एयर इंडिया सबसे चीप मिलती है जाने के लिए। और अगर है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें भी। देखो अगर मैं 10th नेक्स्ट मंथ 20th ऑफ जून से रिटर्न में अगर इसमें 20th ऑफ 10th करता हूँ, एडल्ट ओके ठीक है, इसको 10th ऑफ जुलाई कर लिया मैंने, ओके डिपार्चर जुलाई 31, एक मिनट मेरे को इसको पीछे करना है, 10 20 से करते हैं, जुलाई में आपका जून 20th ऑफ जून से लेके मैंने कर लिया ये आपको 10th तक के लिए, ठीक है। अब ये मैंने कंफर्म किया और मैंने एडल्ट डाला, ठीक है, और एडल्ट 1 शो फ्लाइट, ओके मैंने फ्रॉम तो डाला ही नहीं, सॉरी यार, लंदन गैटविक हीथ्रो से आपका दिल्ली। आप ये चेंज कर सकते हैं आप जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, बट इसमें भी आपको काफ़ी चीप मिलेगी। बट मैं एयर इंडिया से कम ही ट्रेवल करता हूँ और मैंने अभी तक तो नहीं किया, ऐसी आपको 446 में दिखा रहा है, तो वो बेस्ट है। अगर आपको चेकअप, ये देखो चेक इन 23 कंफर्ट, या आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, उसमें आपको थोड़े बहुत फी लगती है, लेकिन आपको थोड़ा और वो फीचर्स मिलते हैं। ओके आप देखो 179, ओके तो टोटल इसका देखो अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितने का पड़ता है आपको, ऑलमोस्ट ये पड़ जाएगा, मेरे को लगता है कि आपके वर्जिन अटलांटिक से ज़्यादा जाएगा, बिकॉज वर्जिन 572 था पर 20th ऑफ जून में, और ये आपको 687 पड़ रहा है, आप देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली जा रहा है एज़ कम्पेयर टू वर्जिन, बट वर्जिन इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी फ्लाइट है इनकी।
और एज कम्पेयर टू एयर इंडिया मैं वर्जिन को प्रेफर करूँगा। बाकी आप अपना प्रेफरेंस देख सकते हैं, बजट देख सकते हैं, टाइमिंग देख सकते हैं, सब कुछ डिसाइड करने के बाद ही ये सारी वेबसाइट पे जाके चेक करें, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा। और ज़्यादा भी सर्चेज मत करना हार्ड सर्चेज से, क्योंकि क्या होता है कि आपकी कुकीज़ में वो आ जाता है और वो प्राइस फिर बढ़ने लगता है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। बाकी बेस्ट तरीका यही है, आपको बता दिया मैंने, एक तो आपका स्काई स्कैनर, सेकंड आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करें, वहाँ पे डील्स मिल जाती है, कभी कभी आप कूपन ढूंढेंगे कूपन मिल जाती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है उसमें। कई क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें फ्लाइंग के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, तो आप उससे और सस्ती बना सकते हैं टिकट अपनी। बाकी बस यही था, देख लिया आपने कि कैसे करना है। और सेकंड ये गूगल का आप देख सकते हो, उस गूगल पे भी आपको बढ़िया रेट दिख जाएगा। तो अगर आप फ्लेक्सिबल आप ट्रिप है तो आप बस वो देखो कि कौन सा मन ठीक है, उस हिसाब से प्लान करो अपना ट्रिप और मस्त अपना इंडिया घूमो। और अपना लोकेशन चेंज कर सकते हो, जहाँ भी आपको जाना हो, मुंबई जाना हो, आपको बैंगलोर जाना हो, आपको हैदराबाद जाना हो, या फिर आपको कहीं भी जाना हो, तो आप वो उसके अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे कैसे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें दिखाई कि कौन सा बेस्ट रहेगा अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज़ करते हो या फिर आप डायरेक्ट जाके बुक करते हो। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट भी जाके देखना बहुत बढ़िया रहता है, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कभी कभी डील चल रही होती है, कभी कभी ऐसे सीजनल ऑफर्स होते हैं, कूपन्स होते हैं, जो ये वेबसाइट जो होती हैं, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो आपको मेल पे या फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के थ्रू सेल करती हैं, तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हो और अपनी जो आपको टिकट जो बुक करनी है वो चीप में बुक कर सकते हो। तो ये सारे तरीके होते हैं, बाकी आपका लक भी इसमें काम आता है। कभी कभी वही टिकट महंगी मिलती है सेम मंथ में, और बट वो कभी कभी सस्ती भी मिलती है, तो वो लक पे भी डिपेंड करता है। बट ये सारे जो ऑप्शंस दिए हैं मैंने वो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। ऐसे ही मैं भी बुक करता हूँ, मैं भी ट्रेंड देखता हूँ, बट कभी कभी मेरे को अगर कोई स्पेसिफिक टाइम पे जाना होता है तो मैं डायरेक्ट जाके वेबसाइट से बुक कर लेता हूँ। इसमें क्या है कि अगर आप उन वेबसाइट से बुक करते हैं, आपकी कैंसिलेशन होती है किसी रीज़न, या फिर आपको अपनी डेट चेंज करनी होती है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं, बिकॉज आपको वहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर के जो कस्टमर सर्विस होती है वहाँ पे आप जाके रीच आउट कर सकते हो उनको डायरेक्टली, उनको मेल कर सकते हो, पूछ सकते हो। बट आप थर्ड पार्टी जो होती है, थर्ड पार्टी में काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, कभी कभी आप कांटेक्ट नहीं कर पाते कस्टमर केयर सर्विस को। और जो थर्ड पार्टी होती है उनका मेन रोल होता है कि वो सारी एग्रीगेटर्स को दिखाती हैं, तो आपको डायरेक्ट फिर वेबसाइट उनसे एयरलाइन से बात करनी पड़ेगी, तो वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके बुक करते हैं, ब्रिटिश एयरवेज हो गई, वर्जिन अटलांटिक हो गई, एयर इंडिया हो गई, या कोई भी फ्लाइट हो गई, तो वहाँ पर जाके डायरेक्टली बुक करें। और वहाँ पर अगर आपको चेंजेस करने हैं, कुछ भी करना है, तो आराम से आप कर सकते हैं, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी किसी चीज़ की, सबसे बेस्ट यही रहेगा। और कभी कभी हमेशा ध्यान रखना कि अगर प्राइजेस अप होते हैं तो कुकीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, कुकीज़ हमेशा डिलीट कर देना, और नहीं तो अपने फ्रेंड के फ़ोन से या फिर कोई डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट होके प्राइस ढूंढो, क्योंकि वहाँ पे प्राइस डिफरेंट आता है। और यहाँ पे ये हर एक मार्केटिंग का एक, ये मैं बता देता हूँ, एक रूल होता है कि अगर आप कोई भी सर्च करते हो टर्म, तो वो सर्च जब आपके हिस्ट्री में आपके ब्राउज़र में आ जाती है तो उससे रिलेटेड आपको एड्स दिखती हैं। तो यही कमाल इसका होता है, कोई भी एयरलाइन टिकट अगर आप बुक करते हैं तो वो आपको टिकट शो करने लगेंगे और वो फिर एक्सपेंसिव भी कर देते हैं, तो उसका काफ़ी ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको मेंशन कर दी हैं, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से ज़रूर पूछना, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। और बाकी टिकट्स तो यार देखो बहुत ईजी होती है बुक करनी, वो तो सब लोगों ने बुक करी होती है कभी ना कभी, कभी ट्रेन की, कभी बस की, कभी तो सिमिलर ही प्लेन की भी होती है। बट यहाँ से जो मैंने टैक्टिक्स आपके साथ शेयर करी हैं, बताई हैं, उनका ध्यान रखना, उनको देखना जब आप बुक कर रहे हो तो कितने प्लानिंग से करना। बाकी हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी होता है तो प्लीज़ हमसे पूछें ज़रूर। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और चैनल पर अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहें। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू।
फ्रॉम द यूके शूके।